महीना तेजस्वी यादव ने रहा नौकरी दिया तो हमनी को उम्मीद हो गया कि अब कुछ लड़कन के हमनियों को हो जाएगा, बाकी सरकार गिर गया तो हमनी माथा पर हाथ धर दिए। 100% हरजन बैकवर्ड मोदी जी के साथ नहीं है, खाली ढकोसला है। अब यही ढकोसला कर करके मोदी जी अभी हमसे चाल चल करके और चुनाव जीतने का काम कर रहे हैं। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ और इस वक्त हम औरंगाबाद जिले में हैं। आज महागठबंधन के उम्मीदवार अभय कुशवाहा जो राजद के उम्मीदवार हैं औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से, तो उनका जो है सर नामांकन है और नामांकन में काफ़ी सैलाब उमड़ा और यहाँ काफ़ी लोग आए। ऐसा लगा कि उनका जनसमर्थन को देख करके ऐसा महसूस हुआ कि वाकई में इनके साथ बहुत बड़े पैमाने पे इनका समर्थन मिल रहा है, समर्थन जुट रहा है पूरे संसदीय क्षेत्र से। हम बात करेंगे, यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। राहुल मौर्य नाम हुआ, कहाँ से? रफीगंज विधानसभा से आए हैं। क्या कहेंगे आज जो है से अभय कुशवाहा नाम जी नामांकन किए और बड़े पैमाने पे जो है से यहाँ पर खासकर को औरंगाबाद लोकसभा को जनता और जनार्दन को हम यही आवाज़ देना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं कि इस वर्ष 2024 के लोकसभा में यहाँ औरंगाबाद लोकसभा को लालू यादव ने बहुत विश्वास करके अभय कुशवाहा जी को टिकट दिए हैं और वो समझते हैं कि यहाँ से कोई भी कबारेगा तो नयुवक ही कबारेगा। क्या नाम है? बाबूराम। कहाँ से आए हैं? मुंगिया से। कहाँ से? मुंगिया। मुंगिया। क्या मुंगिया पंचायत? क्या कहेंगे आज जो है से यहाँ अभय कुशवाहा जी के नामांकन में आप सब आए हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, ठीक है, हम इनको जिताएंगे। हाँ, वोट मिल रहा है। हाँ, औरंगाबाद में परिवर्तन होगा? हाँ होगा, यकीन है आपको? हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? देवनंदन प्रसाद। क्या क्या कहेंगे? एकदम परिवर्तन की लहर है, एकदम आपकी अभय कुमार कुशवाहा की एकदम जीत होगी। जीत होगी। पहल का संसद के बुरी तरह से हार होगा और इनको बहुत अच्छी तरह से जीत होगी, पूरा उम्मीद है। हाँ, पूरी उम्मीद है। तो लोगों में उत्साह है, उमंग है और हम बात करेंगे और भी लोग हैं। क्या नाम है सर जी? मेरा नाम अभिषेक सज्जन है जी। अभिषेक सज्जन, कहाँ से आए हैं? हम महाराज पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि हैं। सरपंच प्रतिनिधि हैं जी। क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये परिवर्तन का लहर है और औरंगाबाद लोकसभा में परिवर्तन की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर औरंगाबाद में एक देखा जा सकता है कि लगातार एक ही वंश के लोग जो कि इस लोकसभा पर काबिज किए हुए हैं, ये किसी का बपौती नहीं है, ये समझ लीजिए। हम लोगों को, युवा समाज को जगना होगा और विशेष तौर पर मैं अपने विधानसभा कुटुम्बा के जितने भी जनता लोग हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि पूरे जन समर्थन के साथ अपने बूथ पर जाकर महागठबंधन प्रत्याशी अभय कुशवाहा को वोट देकर और लोकसभा भेजने के। अभय कुशवाहा को जीत रहे हैं? बिल्कुल जीत रहे हैं, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। लहर है, बिल्कुल है, परिवर्तन होगा औरंगाबाद, एकदम बिल्कुल परिवर्तन, यकीन है आप लोग को? एकदम बिल्कुल यकीन है। और औरंगाबाद में हम लोग तो ऐलान कर दिए हैं कि महागठबंधन की प्रत्याशी अभय कुशवाहा 2 से 2.5 लाख वोटों से लीड करेंगे। बहुत क्या नाम है दादाजी? नाम प्रताप सिंह दांगी। कहाँ से आए? गुरारू। इस बार किसको वोट कर रहे हैं? हम 90 साल तक लालू जी के वोट देते हैं। अच्छा, 90 साल तक हम दूसरे पार्टी के वोट नहीं देते हैं, महागठबंधन के देते हैं। तो कितना उधर से वोट बढ़ रहा है? हमने सवारियों गुरुआ विधानसभा से जिता देते हैं, आवाज भी हमारा विनय कुमार यादव जीते हुए हैं। औरंगाबाद परिवर्तन हो जाएगा एकदम निश्चित, यही विधायक पूंछ में भी हराया था, 3 बार जीतल था वो विधायक को और ये जीते थे। परिवर्तन हो जाएगा एकदम निश्चित, कम से कम 1.5 लाख वोट से जीतेंगे। अच्छा अच्छा, क्या नाम है? रामनाथ मेहता जी। कहाँ से हैं सर? कुटुम्बा क्षेत्र से। किलो अनाज पर ठगा जा रहा है सारे जनता को, हम लोग के सिंचाई कर देता, नहर की व्यवस्था कर देता तो हम लोग 2-4-10 क्विंटल तो अनाज देने वाले हैं, लेकिन हम लोग के सरकार 5 किलो पर प्रलोहन में आज तक जो है कि रोभाग रख ले है। काम विकास का नजारा है जी, अब तो कमाने भी नहीं पड़ रहा है, अनाज मिल रहा है। छोड़िए ना महाराज, वो अनाज ऐसा वैसा अनाज खानू वाला तो अनाज नहीं रहता है, ऐसा अनाज दिवाता है, काम नहीं चल रहा है। कहाँ चलेगा वो 5 किलो अनाज में पूरा खा लेगा आदमी, एगो ठग रहा है जनता को। हाँ, क्या है इस बार के? कहे करेंगे, हम लोग कोई विकास ही नहीं किया तो करेंगे क्या? करेंगे, मोदी जी गारंटी दे रहे हैं। क्या गारंटी दे रहे हैं? सब चीज की गारंटी। आज 15 साल में गारंटी पूरा नहीं हुआ, आज पूरा हो जाएगा। गरीबी मिटाने की गारंटी कर रहे हैं।
उनसे मीटिंग नहीं करेगा, नहीं मिटेगा ना, पूरा देश दुनिया में नाम कर रहा है। अरे भैया नाम कर रहा है, जो नाम कर रहे हैं तो ना गरीब गुरुआ के आन के कभी देखे कि क्या स्थिति। आज 3 साल से किसानों को धान नहीं हो रहा है, पैदा मारा जा रहा है। कौन किसान को क्या दे दिया, खाली 5 किलो अनाज पर प्रलोभन कर रहा है। कौन किसान के 10-20 हजार रुपया दे रहा है कि न भाई खाता में पैसा आ रहा है ना, का नहीं आता है खाता में पैसा, जचवा लीजिएगा। आता है आदमी के तो 2-4 हजार में क्या होगा, किसान के 2 हजार मिल ही रहा है, 50 हजार को उसको नुकसान हो रहा है जी। केंद्र की जो देश का मालिक नरेंद्र मोदी ने जो देश को कुचलने का काम कर रहा है, जो आज हमारे ये अम्बेडकर साहब ने भारत रत्न संविधान को जो देने का काम किया, और वो संविधान का आज मांग सामने दिखाई दे रही है कि सचमुच में संविधान को बेचने वाला, संविधान को रोंदने वाला रहेंगे या उसको बचाने वाले रहेंगे। बचाने वाला का संख्या या औरंगाबाद का तकाजा जारी है, एक चीज़ को देखने और समझने की ज़रूरत है। आम फिट 4 फीट के आदमी है, 35 साल उम्र है और ये कार्यक्रम में आए, नामांकन सभा में अभय कुशवाहा जी के, अभय कुशवाहा जी के नामांकन में आए जी। पैसा उसे कोई दिया था? नहीं सर, हम पैसा पर नहीं आते। कैसे आए हमको तो कोई आदमी वहीं के आदमी तो आया था, गाय से आए हैं सर। लालू जी के अपने अनुयायी हैं आप? हाँ अनुयायी हैं। हाँ वोट ललटेन में दीजिएगा? हाँ शुरू से देते हैं सर, कमल में से ललटेन में देते हैं, हम ललटेन के आदमी हैं सर जी। सर हम ललटेन के आदमी हैं सर। अच्छा क्या नाम है छोटू? मेरा नाम मिथिलेश कुमार, टिकारी विधानसभा से। टिकारी विधानसभा से, देखिए टिकारी विधानसभा से आए हैं तो क्या हालात है, किसको वोट दे रहे हैं, किसको जिता रहे हैं? किसको देंगे, ये है अभय कुशवाहा को वोट देना है, सपा महागठबंधन को वोट देना, गरीब सरकार को वोट देना है, गरीब का मसीहा तेजस्वी यादव। मोदी जी गारंटी कर रहे हैं उनको? अरे मोदी जी क्या करें, सब जानते हैं क्या मोदी जी कुछ नहीं, सब अंबानी के परिवार से आता है मोदी जी। मोदी जी का बिहार में कुछ क्या, मोदी जी कह रहे हैं गरीब मिटाने का कुछ नहीं, मोदी से कुछ गरीब नहीं मिटेगा। क्या क्या बोलिए, क्या कह रहे हैं? तो हम लोग सब विकास चाहिए सर, विकास हमारा गांव में कुछ नहीं होता है सर, रोड नहीं बनता है अभी तक बना हुआ है। मोदी जी तो सब कहे गरीबी मिटा दिए, अभी नहीं मिटा है सर, अभी हम कहते हैं सर, करते नहीं ना सर। क्या कहेंगे सर, गरीबी मिट रहा है? नो, गरीबी नहीं मिट रहा, देश दुनिया में विकास हो रहा है, भारत का नाम हो रहा है, रोशन। जब 17 साल बनाए मोदी जी को तो कुछ नहीं कर पाए, तो आप कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं, विकास हो रहा है दुनिया में, विकास कर रहा है कुछ नहीं, दुनिया में विकास हो रहा है, भारत में नाम रोशन। नया ब्लड है, नया सरकार बनाना है, महागठबंधन बनाना है आपके, बन जाएगा, बदल देना है आपके, केंद्र की सत्ता बदल देंगे, बदल देना है। केंद्र हमरे पर ना, जनता पर ना केंद्र है, मोदी के हम ही ना भेजे है कि मोदी अपने से बन के चला जी, बेमानी है, भरोसा नहीं है, इधर आइए, चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, मोदी पे कोई भरोसा नहीं है, मोदी पे भरोसा नहीं है, यहाँ लोकतंत्र है जी, यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ लोगों का शासन चलता है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजशाही शासन खत्म कर दिया हमारे आदरणीय बसादुर लालू यादव ने, हमको लोगों को आवाज दिया है बोलने के लिए। मोदी जी गारंटी दे रहे हैं क्या? मोदी जी गारंटी दे रहे हैं? गारंटी देने से कुछ नहीं होगा, मोदी जी गरीबी मिटाने का, मोदी जी मोबाइल पे मैसेज कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, प्रचार वही चीज का होता है जो कूड़ा कचरा में बिका जाता है। लालू यादव प्रचार नहीं करते हैं, वो नौकरी का रैला चलाते हैं, रैला, लालू यादव जिंदाबाद। युवा नाराज है, युवा नाराज है मोदी जी से, युवा बहुत नाराज है, मोदी जी ने कहा कि हम इतना रोजगार दिए, वो नौकरी छीन लिए, वो दिन पर दिन प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, रेल बेच दिए, भेल बेच दिए, तेल प्लेन बेच दिए, और मोदी जी जुमलों की सरकार है, जुमलों की, और मेरे को नौकरी हासिल कर दिया, और ये हमारे तेजस्वी भैया आए जो नौकरी का रेला चला दिए, बेरोजगार को रोजगार में बदल दिए, तेजस्वी जिंदाबाद। मोदी जी सरकार नहीं चलाते हैं, अडानी और अंबानी सरकार चलाती है। ये बताइए, बोलिए, औरंगाबाद में बदल दीजिएगा, इसमें शक और संदेह मत कीजिए, अब है कुशवाहा जिंदाबाद है और रहेंगे, यकीन है आपको? हमने पिछले बार भी 6 में 6 सीट जिताने का काम किए थे, इस बार भी कंफर्म है, इसमें कोई शक और संदेह नहीं है। मैंने आप लोग एकदम उम्मीद है, पूरा उम्मीद है, 2 लाख वोट विधानसभा 2 लाख वोट से हम कुटुम्बा प्रखंड से आते हैं, वो भी एकदम क्लियर है, आप कुटुम्बा प्रखंड से जी,
जिस तरह से हम लोग टिकारी विधानसभा से 29,000 वोट से इनको रिकॉर्ड मत से जिताए थे 2015 में, उसी तरह से इस बार 2024 में औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से हम लोग जिताने का काम करेंगे। मोदी जी से आप लोग नाराज हैं? बहुत नाराज हैं। मोदी जी 4 साल की नौकरी देते हैं हमको, बताइए 4 साल में क्या हो जाएगा? 4 साल की नौकरी मोदी जी देते हैं, 4 साल में मोदी जी बच्चों का भविष्य नहीं देखते हैं। आज देखे तेजस्वी यादव कितना दिन सरकार रहा और स्कूलियों में सुधार आ गया, बच्चों में सुधार आ गया, सरकारी स्कूल की स्थिति देख लीजिए। क्या मोदी जी ने सब काम को किया? वो सिर्फ मोदी जी लोगों को क्षणिक सुख देकर मानसिक गुलाम बना रहे हैं। 5 किलो राशन देकर लोगों को मानसिक गुलाम बना रहे। तुम कमाने की भी जरूरी नहीं पड़ेगा, अब तो राशन मिल रहा है। तो राशन भैया में मिल रहा है, राशन इसलिए दे रहे हैं कि लोग हम मानसिक गुलाम बना रहे ताकि बच्चा विकास ना करे। क्या चाहिए अब? क्या चाहिए हम लोग को? रोजगार चाहिए, जो मोदी जी के पास की बात नहीं है। बिहार में तेजस्वी यादव ही रोजगार का रेला चलाएंगे, जिन्होंने करके दिखाया और स्कूलों को सुधारा। पैसा उसका तो नहीं ना मिला आपको? नहीं, हमारे मानने के लिए नहीं, हम काम देखते हैं। हाँ क्या बोले, क्या मोदी जी ने रोजगार दिया लोगों को? क्या तेजस्वी का वादा किया था? वादा किया तो मिला। अरे शादी हो रहा है, हमने कहा नौकरी नहीं मिला, क्या हो रहा है? जे कुटुंब था वही भाग जा रहा है। शादी नहीं हो रहा? नहीं हो रहा शादी, भाग जा रहा है। अगर नौकरी है, नौकरी है तो ना है तो कौन चीज करे? अगुआ भाग जा रहा, भाग जा रहा, चार अगुआ भाग गया। मोदी जी कहेंगे जी युवा परेशान है, एकदम परेशान है, शादी नहीं हो रहा। चला रेलवा मार रहे परेशान का, महागठबंधन आएगा, नौकरी देगा, ब्याह होगा, होगा, बैंड बजेगा, नया ब्लड नया सरकार चाहिए हम लोग का, बैंड बजेगा, बैंड बजेगा। और विकलांग आदमी को नहीं मिलेगा सर? विकलांग आदमी को रोटी नहीं, नौकरी लाभ नहीं मिला आपको? कहाँ मिला सर? कुछ नहीं, कहाँ मिला है? विकलांग है जी, विकलांग है सर। CBI ED के टैक्स देने वाला को वोट हम लोग कभी नहीं देना है, पक्का मान लीजिएगा। एक बार टेगारी विधान से जिताए हैं, आपके औरंगाबाद से जिताना है। इस बार जीतेंगे यहाँ कंफर्म। क्या नाम है? सुभाष कुमार यादव। सुभाष यादव कहाँ से हैं सर जी? कौन थाना सिंघड़ा मठिया से। कहाँ से? कौन थाना सिंघड़ा मठिया। केकरा वोट करिएगा? लालू यादव के। कौन छाप है? गलटेन साहब। कमल साहब? गलटेन साहब। कमल साहब पर नहीं कीजिएगा? ना कभी ना, कभी कर ही नहीं करे हम अथी पर। हाँ ललटेने साहब पर हम करते हैं। अनाज मिल रहा ना 5 किलो? अनाज मिल रहा है? मिल रहा है अनाज की नहीं मिल रहा? अभी रेलवे बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया। आपको मालूम है? बेच देगा। आपको मालूम है कि रेल बिक गया? बिक गया ना तो ऐसे ही मालूम में न है, हम रात मजदूरा काम करते हैं तो कुछ मालूम में न है। चोरों घर में हम काम करते हैं, हम CBI हैं। आप? हाँ मैं मजदूरा हूँ, आप CBI, मैं भी CBI हूँ। हाँ सब हिसाब रखते हैं मोदी जी का? मोदी जी कैसे कैसे सबको नौकरी दे रहा है? मोदी जी ऐसे खुलेआम ना घूमेंगे, हिसाब हिसाब सरकार का हिसाब रखते हैं। चोर है, चोर मोदी जी, चोर है। 15 लाख देंगे खाता में, 15 लाख देबो ना किए? मोदी सरकार का हिसाब रखे हैं आप? हाँ रखे हैं। हमने के गरीब के लड़कन पढ़ा लिखा मजदूरी करके अधिक कर रहे हैं और हमने के नौकरी नहीं हो रहा, घुस ले लो के नौकरी घुसवाते हैं, देते हैं। तेल बेच दिया, तेल बेच दिया, पूरा भारत बेच दिया। चाचा के कष्ट नौकरी कौन दे रहा है? चाचा जी कहाँ से आए हैं? 6 महीने रहता अपना दिखा। 17 महीना तेजस्वी यादव ने रहा, नौकरी दिया तो हमने को उम्मीद हो गया कि अब कुछ लेकिन के हमनियों को हो जाएगा, बाकी सरकार गिर गया तो हमने माथा पर हाथ धर दिए। इतना उम्मीद था तेजस्वी यादव से? उम्मीद था कि साल होते होते हमने ईटा पत्थर ढोते वाला के नौकरी, उम्मीद है कि हो जाएगा। ईटा पत्थर हम बाबू ढोते हैं। उम्मीद था मैंने तेजस्वी यादव से, आप लोग को पूरा उम्मीद था? उम्मीद था। फार्म उरम भराने लगा, लेकिन ढोकने लगा तो हम अब लाइन लग गया धीरे धीरे नौकरी। अब हमारा भी लेकिन टांडल है, पढ़ने में पढ़ा रहे हैं, राज मजदूरा में काम करके प्राइवेट से पढ़वा रहे हैं और कंपटीशन तैयारी कर रहा है। सरकार गिर गया तो उम्मीद खत्म हो गया? एकदम खत्म हो गया, अंधेरा छा गया, अंधेरा छा गया। 6 महीने तक विश्वास था, केनू नहीं लोक रहा, इंजोरा अंधेरे अंधेरा छा गया। अब कैसे इंजोरा होगा? अब तो ललटेन आएगा तब इंजोरा होगा, ललटेन जरेगा तो इंजोरा हो जाएगा। हाँ यकीन है आपको? हाँ वही से इंजोरा नहीं होगा, औरंगाबाद में धरती पर
73 साल में जो दो घराना घर के सांसद रहे हैं, इन लोग गरीब के निवाला राशन जो मिलता है ना 5 kg, उसमें से सुशील सिंह 1 kg चुराते हैं। आपको पूछ लीजिए इनसे, आपको 5 kg जो राशन मिलता है उसमें से 1 kg चोरी होता है कि नहीं आपके क्षेत्र में? 5 kg राशन मिलता है, 5 kg राशन मिलता है, उसमें 5 kg दे करके 5 kg का मात्र 100 रुपया होता है, और मेरा सिलेंडर 1 महीने में खपत होता है उसका 500 सिलेंडर गैस का कीमत होता है और उसका 1100 रुपया लिया जा रहा है, तो कहाँ गया 600 रुपया? मैंने 600 रुपया 500 कीमत ना था, 1100 रुपया, तो 400 रुपया तो गरीब से चोरी कर रहा है मोदी जी। दुनिया में महंगाई बढ़ गया तो यहाँ भी बढ़ गया। अच्छा, महंगाई कहाँ बढ़ गया? महंगाई कहीं है? कितना भी मजदूरी है, मजदूरी कितना होना चाहिए? गरीब का कहाँ मजदूरी बढ़ गया? गरीब का मजदूरी बढ़ गया, मजदूरी होना चाहिए ना। तब मजदूरी अभी 200 रुपया है, 200 रुपये में भोजन चल जाएगा? अभी चार टाइम पियेंगे, चाह में खत्म हो जाएगा, उतने भर तो मजदूरी मिल रहा है। गरीब का शोषण जलम भी लड़का एक ले रहा है, ओकरा पर 1,30,000 रुपया लोन गिर रहा है। इतना लोन मोदी जी लिए हुए हैं, इतना अभी तो कोई सरकार नहीं लिया है लोन, उतना लोन लिए हुए हैं कि कांग्रेस सरकार 70 बरस में भी समझिए कि इतिहास है कि उसका मुताबिक 5% लोन नहीं दिया था लिए हुए थे, बाकी उसका मुताबिक 95% अधिक लोन लिए हुए हैं। एक दिन गुलामी का अखार पर आयल है मेरा भारत, गुलामी का अखारा पर आयल है। अब मोदी जी रह गए तो गुलामी कौन के करने वाले हैं? पूंजीपति के गुलामी नहीं हो रहा है, यहाँ गरीबों का गुलामी हो रहा है, गरीबों का शोषण हो रहा है, गरीब का साथ शोषण हो रहा है। मोदी जी को वोट कौन दे रहा है? गरीब लोग ही ना दे रहे हैं वोट ना, गरीब कोई नहीं दे रहा है, पूंजीपति लोग वोट दे रहे हैं। अब मोदी जी एवीएम का चाल है, एवीएम उनको पास है, एवीएम हटा दिया जाए तो मोदी जी के एकदम जमाने जब नहीं हो गया पूरे हिंदुस्तान में, तो कमीना का काम है गरीब का। पेपर से वोट करा के देख ले, देख ले, हार नहीं जाएंगे तो देने से। मैंने आप लोग को लगता है पेपर से दिलवा करके देख ले, मोदी जी को हंसती आता, चैलेंज करता हूँ हमने ईवीएम से, ईवीएम खाली हटा दे, ईवीएम में भरोसा नहीं आपका? ईवीएम में 1% भरोसा नहीं है। अभी अभी हाई कोर्ट में आया है, सुप्रीम कोर्ट में अथी आया ना, केजरीवाल नहीं जाते जेल तो इतना भंडाफोड़ नहीं होता, भंडाफोड़ हुआ ना अभी 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 भंडाफोड़ हुआ कि वही चुनाव आयोग बोला कि 70,000 से जीतने वाले के हमारा घूस देकर जबरदस्ती उसका हराया गया है, 70,000 से जीतने वाला के हम क्या करें, उस चलते हम इस्तीफा देने जा रहे हैं। इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिया। अब समझिए कि मोदी जी को यही हिस्सा लगा हुआ है, 70,000 वोट से जितने वालों का हराया जा सकता है। मतलब ईवीएम में संदेह है आप लोग को? ईवीएम में 100% संदेह है, संदेह है, ईवीएम पे भरोसा नहीं है? नहीं, नहीं। बैलेट पेपर से चाहिए। कैसे चुनाव होना चाहिए? बैलेट पेपर से, बैलेट पेपर पर होना चाहिए, बैलेट चुनाव होना चाहिए। क्या कैसे चुनाव होना चाहिए? ईवीएम पे भरोसा नहीं से पहले होवे ले उहे से होवे के चाहिए, वो ठीक था बैलेट पेपर? हां हां, ईवीएम वाला में तो एकदम दिक्कत होता है, एकदम चोरी होता है, तार के कनेक्शन एक कर रहता है, का तो वोट देंगे लालटेन में तो जाएगा बीजेपी में। मोदी जी कहते हैं कि बैकवर्ड हरजन हमारे साथ है, कुछ लोग बैकवर्ड हरजन साथ है, 100% हरजन बैकवर्ड मोदी जी के साथ नहीं है, खाली ढकोसला है। अब यही ढकोसला कर करके मोदी जी ईवीएम से चाल चल करके अब चुनाव जीतने का काम कर रहे हैं। मतलब ईवीएम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है? 1% भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है, 1% भरोसा नहीं है। चुनाव हो रहा है तो क्या ये फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं हो रहा है? चुनाव नहीं हो रहा है, गरीब का मत जो जा रहा है, गरीब का वोट जा रहा है, बाकी गरीब का मत की कीमत नहीं। ईवीएम में चोरी कर करके मोदी जी बारम्बार जितने का काम कर रहे हैं, बारम्बार मोदी जी देख सकते हैं कि कितना भीड़ है। अब मान लीजिए कि इसमें हम लोग अगर नहीं जीते हैं तो ईवीएम का खिलाना समझेंगे और क्या समझेंगे? पैसा से लाया हुआ भीड़ नहीं है जी, पैसा से लाया हुआ भीड़ नहीं है, पैसा से लाने वाले महागठबंधन पैसे नहीं तो पैसा से आवे कहाँ? गरीब का बेटा चुनाव लड़ने वाले हैं, अरे पंजाब से पैदल आ गए थे हम ही, पंजाब का आधार कार्ड है, पैसा से हम वोट देने वाले हैं, मोदी का बाप भी चुपैया पर बैठा देगा तो हम नहीं देंगे वोट, पैसा से। क्या नाम? ग्राम पप्पू यादव नाम हुआ, गड़ारी पंचायत। क्या छात्र नेता हमने बोलेंगे एक बार, बोलिए बोलिए सर। टिकारी विधानसभा। कहाँ से आए आप?
बिखनपुर विधानसभा कौन सा है? टिकारी। क्या मैंने इस बार औरंगाबाद का क्या माहौल रहेगा? माहौल आपको नजर नहीं आ रहा है, पूरा मैदान पट गया भीड़ से, गरीब अमीर सबको यहाँ आए हुए हैं। भीड़ देख कर के अनुमान लग रहा है 80-20 की लड़ाई है। 80-20 इतना मैंने मजबूत लड़ाई है, एकदम बहुत मजबूत, कन्फर्म जीत है। 3 लाख से जितने जा रहे हैं, 3 लाख से, 3 लाख से टिकारी, हम लोग 50,000 से अभी डील दे रहे हैं, 50,000 वोट से टिकारी की बात बोल रहे हैं, 50,000 से। हाँ तो अभी 34,000 से दिए थे, अभी 50,000 से देने जा रहे हैं। इस बार मोदी जी की गारंटी फेल हो जाएगा, एकदम गारंटी फेल है। अभी ईमानदारी से हो जाए ना तो 25-30 के पूरे हिंदुस्तान में कहते हैं कि सीट ले ले आ जाए मोदी जी, खाली बैलेट पेपर से करा के देख ले, 30 को सीट ले ले आ जाए। कुणाल कुमार नाम हुआ, टिकारी विधानसभा मेरा घर हुआ जी। कौन से आए हैं हम लोग? कैसे आए हैं? मैंने कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता नहीं है हम लोग, कोई बिना कार्यकर्ता हम लोग है, ग्रामीण है, वोटर है हम लोग। क्या कहेंगे यहाँ पर जो उपस्थित जनसलाब के? हम लोग तो कुछ कहेंगे नहीं, जो इसके पूर्व मतलब वर्तमान अभी सांसद हम लोग का है, मतलब आज तक हम लोग देखे ही नहीं उनको, हम लोग गांव नहीं जानते हैं, हम लोग का गांव का नाम नहीं जानते हैं, गांव का नाम पता नहीं है कि कौन सा गांव है, कौन कैसे चुनाव जाते हैं, पता नहीं कैसे जीतते हैं। हम लोग वोट देते हैं, ईवीएम का खेल है, ईवीएम से जीत जाते हैं। ईवीएम पर संदेह है? एकदम संदेह है। संदेह है? हाँ संदेह है, भरोसा नहीं है ईवीएम पर, भरोसा नहीं है। क्या सर, कहाँ से आए? हम गया से। किसको वोट कर रहे हैं इस बार? अभय कुशवाहा जी के, और हमारे गया से हैं कुमार सर्वजीत जी, उनको वोट करेंगे। तो लालू यादव का हाथ गोबर और मजबूत करेंगे। औरंगाबाद की क्या रहेगा स्थिति सर? बहुत बढ़िया स्थिति है सर, इसमें कोई लेकिन परंतु अब नहीं रहा, कोई लेकिन परंतु नहीं है। देखिए एक भगेड़ू पूर्व सांसद जो है से एक तरह से भगेड़ू है, फील्ड से भगेड़ू है। अच्छा। वो राजनाथ सिंह के कोई रिलेटिव है, रिलेटिव के चलते बार बार उनको टिकट मिलता है, और मोदी के राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं मिलने जा रहा उनको, इस बार कोई विकास के नाम पर उनको मिलेगा विकास। औरंगाबाद में कहीं विकास लोक रही है? कहीं नहीं। बोल ना रहा है, क्या स्थिति उसका देख लीजिए, सड़क का स्थिति आप देख लीजिए चल के, हम लोग का क्षेत्र में क्या स्थिति है। दूसरी चीज कोंच टिकारी में तो आज तक कदम ही नहीं रखे हैं, अपन चरण पादुका जो है कोंच टिकारी के लगभग गांव में नहीं रखे हैं, वो रखते हैं एक दो जगह अपना जो रिलेटिव है उनके यहाँ रखते हैं, बाकी लोगों से मतलब विश्वासघात करके निकले हैं वो हम लोग के साथ। ये चलते इस बार उनको कम से कम 3 लाख वोटों से हराएंगे उनको, इस बार एकदम बदल देंगे, 3 लाख वोट से, 3 लाख वोटों से हराएंगे अभी। क्या नाम है उसका? संजय कुमार यादव। क्या है मैंने अभी आप लोग का जैसे बदल दीजिएगा, अभी मन लायक अभी मिले हैं कैंडिडेट हम लोग का, आरजेडी का मन लायक कैंडिडेट मिला है इनको, अब है कुशवाहा जी को जिता कर भेजेंगे दिल्ली, और 2.5 लाख वोट से भेजेंगे, दिल्ली पहुंचा दीजिए, एकदम दिल्ली पहुंचा देंगे, पक्का कह रहे हैं। अच्छा ये बताते हैं हम कि मोदी जी कई गारंटी लेकर के आए हैं? सब चीज की गारंटी लेते हैं। 15 लाख रुपया गया, 2 करोड़ रोजगार मिल गया, यही गारंटी उनको ना है, गरीबी मिटा देंगे वही गारंटी है। तो गरीब से कम कुछ लिया जाए कि यही मोदी जी आपका गारंटी है कि गरीब को हत्या कीजिए, गरीब का मजदूरी छीनिए, गरीब पर हजानी कीजिए, रेप कीजिए, और वकरा से नहीं होगा तो CBI मीडिया को लगा करके अब मुकदमा करके जेल ठूंसिए। जेल ठूंसने का काम है वो मोदी जी के ही काम है कि जो मुद्दा उठावेगा मोदी जी के खिलाफ में, तो मोदी जी के खिलाफ में मुद्दा उठाने वाले के जेल ठूंसिए। यही ना हो रहा है, केजरीवाल के देखिए, लालू यादव के देखिए, गरीब का मुद्दा उठाने वाले के, जगदेव प्रसाद के हत्या हुआ वही कर्पूरी ठाकुर के अति करने वाले कौन है? वही है आमा में महता को हुआ, पंचरुखिया में छोटू कुशवाहा के हुआ, बैकवाट हरजान समाज के अति पिछड़ा, ये सब को हैया नहीं है मोदी जी, पूंजीपति के हैं। पैसा कहाँ गया कि जो माए बहन पैसा जो आचरा में लुकैले था, तकिया तो लुकैले था, वो पैसा काला धन सोहरत कर करके माए बहन का पैसा छीन लिया गया, माए बहन का पैसा छीन लिया गया, अब फिर पैसा छीन करके 2000 युवा नोट कौन लाने वाले हैं? मोदी जी। अब पैसा छीन करके 2000 युवा नोट निकाल करके अब क्या हो रहा है क्या कि नोट बंदी हुआ, अब वही बीच में चुनाव करवाया गया कि नोट को हमरा भुना गया, 2000 युवा नोट पोखरा भुन कहाँ से, हम लोग बोजून बेटी बहू के शादी करे लगे लाइन में लगने पड़ रहा था तो यो पैसा नहीं मिला, और उसका इलेक्शन करे लड़ा लाइन कहाँ से पैसा हो गया नया नोट,
तो यही किया गया कि हरजन बैकवट को इस नाम पर काला धन के नाम पर जो तकिया तो पैसा माए बहन लुकैले है कि लैकन को पढ़ावेंगे कॉपी लेंगे लेकिन पढ़ेगा वो छीनने का काम किया कि हरजन बैकवट के लैकन अनपढ़ रह जाए और हम लोग शासन करते रह जाए। कुल मिलाकर इस बार मोदी जी का जमानत जब्त करने जा रहे हैं, खाली ईवीएम से न होता वो 30 से 35 सीट तो ले आ जाए पूरे हिंदुस्तान में। ईवीएम से डर लग रहा है, मतलब ईवीएम से डर लग रहा है अभी भी? एकदम अभी भी डर है, डर लग रहा है, डर है ईवीएम से। क्या ये है कि ईवीएम से होगा तो ईवीएम को चादर फाड़ करके वोट देंगे इतना बढ़ करके ना कि चोरी करेगा तो कितना करेगा। ये तो कह दिया ना कि 70,000 तो चोरी वाला पकड़ाया कि 70,000 से चुनाव जीतने वालों को हरवाए हैं, बोला ना इस आपको जान रहे हैं मीडिया वाले ना, गोदी मीडिया के लोग ना है कि छिपाइएगा बात को, गोदी मीडिया के लोग ना है कि पैसा पर आप लोग कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कुछ है। अब कहिएगा कि मोदी मोदी बोल रहे हैं, मोदी मोदी बोल रहे हैं, ये बात ना छिपाइएगा, बात एकदम सच्चाई रखिएगा ना। अच्छा आप लोग के इसमें सर्वे में कै लाख के भीड़ है आप लोग अन्यादा करके बोलिए सामने, आप बता दीजिए। नहीं नहीं आप बोलिए, आप बता दीजिए, आप लोग बोलिए, बोल देंगे ना आप सब। नहीं नहीं हम बोलेंगे उल्टा बोलिएगा था, एक कम से कम एक बात आप लोग बोलिए कि सच में हम लोग के इतना अन्यादा लग रहा है, हम अन्य रिकॉर्डिंग करते हैं। कितना भीड़ था, कितना भीड़ है अभी आप ही बताइए, हमारा कैमरा चल रहा है। अभी भी भीड़ है तो 2 लाख से ऊपर का भीड़ भड़ाका अभी चल रहा है, 2 लाख से। बाकी मोदी जी जो आए थे में आए थे, मोदी जी आए थे तो मोदी जी कितना भी हमनियों के पंचायत से बेचारिन के गरीब के पैसा दे दे के लाए तयो अपना भीड़ मैंने 2500% भाड़ा पर लाया, तो अखर मुताबिक 25% भीड़ नहीं था मोदी जी के। तो मोदी जी चैलेंज करते हैं कि हमने के विधायक जो भीड़ जुटा देंगे इतना, मोदी जी का हस्ती नहीं होगा कि मोदी जी इतना भीड़ जुटा देंगे, मोदी जी का हस्ती नहीं है। कुल मिलाकर के इस बार परिवर्तन गोदी मीडिया लोग छिपाते हैं, गोदी मीडिया अभी कुर्सी खाली हुआ कुछ लोग जा रहे हैं ओकरे जाके फोटो लीजिएगा कहिए कुर्सी खाली है, ये गोदी मीडिया को जानते हैं। अब गोदी मीडिया से आप लोग बिके हुए नेशनल जनमंच आप देखते हैं, अच्छा ये सब जो है कि कहें जो है हम देखेंगे गांधी मैदान में कि ओजमा परी गंध की तनिशन था 5 फीट में, 5 फीट में और ओजमा परी हम थे, हम कह रहे थे गोदी मीडिया की खेल होगा कि बार बार वो वाला आवेगा ना तो यही वाला दिखावेगा, तो गंध की से ओजमा परी आदमी नहीं ठहरा था। गांधी मैदान देखे हुए दक्षिणवारी साइड में जो गेट है मेन 13 नंबर गेट ओजमा परी तरह जगह खाली है, बार बार ओजमा दिखाया है कि नहीं दिखाया है? जो भीड़ कम से कम 16 से 20 लाख की भीड़ था पटना में, 16 से 20 लाख की भीड़ भड़ा का पटना में भीड़ था, बाकी तैयो 5 फीट खाली जगह क्यों दिखाया जा रहा है हम नहीं देख रहे हैं, तो गोदी मीडिया का खेल है। आप गोदी मीडिया को देखते हैं, नेशनल जनमंच को देखिए, हाँ तो आज है देखेंगे बिल्कुल पूरा हमारा जानते हैं एड्रेस ना जी, पूरा दुनिया को दिखाइए। अभी जो है कि हम टकारी कॉन्स्टिट्यूंसी के रहने वाले हैं, प्रखंड मेरा कोच हुआ, पंचायत असलिमपुर हुआ, वहाँ के रहने वाले हैं हम, विनय कुमार हुए, कोई जात पात नहीं है, क्या यादव हम है ना, तो यादव पसमान है तो पसमान। आरजेडी को कही है कि वोटर बुझा नहीं होंगे, हम दूसरा कार्ड से हट करके हैं, तैयो मोदी जी को खिलाफ में लग रहा है क्या नहीं तन तन में भरा हुआ है इस बार लेकर के कि तेजस्वी जी को चुनाव जिता करके रहेंगे चाहे जौन हिसाब करे पड़े। तो आज जो है से यहाँ औरंगाबाद के रतनुआ फील्ड है और इस फील्ड में अभय कुशवाहा के नामांकन के बाद में नामांकन सभा हो रहा था और लोगों ने विश्वास दिलाया है और विश्वास जिताया है कि अभय कुशवाहा को हम भारी बहुमत से यहाँ चुनाव जिता रहे हैं औरंगाबाद, और उसको लेकर के काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित थे, बड़ा जनसैलाब था और इस जनसैलाब को आप इस वीडियो में आप देख भी पाएंगे। तो तमाम दर्शकों से आग्रह है नेशनल जनमंच को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करेंगे, धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।